इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। इसका पॉपुलैरिटी 63% है। आप लोग जाएं इंडिया, वो नफरत करते हैं हमारे से, हमारे लोग जो भी सोचते हैं उनके बारे में मुझे नहीं पता, मगर उनकी नफरत इज वेरी ऑब्वियस। गया हूं। तो फिर मोदी का अपना एक कैरेक्टर है कि इस शख्स ने जो भी स्टेप उठाया ये इसने वापस नहीं किया, उसके इफेक्ट्स निकले हैं, उसका उसके मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन वो शख्स जो है वो अपने स्टेप के ऊपर जमा रहा। और यहां भी यही सूरत है कि वो इससे कभी नहीं हटेगा। लेकिन अगर आप मुज़ाकरात कर लें उसके बगैर तो आपको वैसे भी कुछ हासिल नहीं है। इसमें दो नुकात हैं देखने वाले। एक तो ये है कि उसने जो आर्टिकल 35A खत्म किया था उसकी वजह से वो शरीयत जो है वो वहां पे लोगों को धड़ाधड़ देते जा रहे हैं और वो वक्त गेन करेंगे कि 2-4-5 साल में यहाँ पे आबादी का तनासब बदल जाए। जिन लोगों को शरीयत दे रहे हैं उनकी शरायत कुछ और है कि वो थोड़े वक्त के लिए कश्मीर में रह चुके हैं 5 साल ये वो, लेकिन कोई केरला में रहता है, कोई उत्तर प्रदेश में रह रहा है, वो सिर्फ वोट डालने के लिए आ जाएंगे। तो आपको कहा जाएगा उस वक्त जब जब ये सूरत हाल आ जाएगी तो आपको कहेंगे कि अच्छा ठीक है, अगर आपने यूनाइटेड नेशन की करारदादों के तहत कुछ करवाना है इस तस्वाबे राय वगैरह तो प्लेबिसाइट करवा दें तो आप उसका क्या करेंगे, क्योंकि आबादी का तो तनासब बदल चुका होगा। तो ये एक है। दूसरी तरफ ये है कि वो उसको यूनियन टेरिटरी बना के तो उन्होंने वहां पे अपने तौर पर डेवलपमेंट जो यूनियन करना चाहेगी वो करेगी, और जिस तरह जमीनें वो खरीद रहे हैं जबरदस्ती कश्मीरियों की, ये सूरत हाल अक्सर बदल जाएगी अगर हम इसको आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाने का कुछ नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि ये शर्त रखना कम अज कम आपकी फेस सेविंग है कि चूंकि इन्होंने अपनी वो कंडीशन ये सूरत हाल वो वापस नहीं की, लिहाजा बात कर रहे आपके लिए। ठीक, जल साहब साथ रहेगा। हिलाली साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? सर, बाज लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जब टेबल पे बैठेंगे ही नहीं तो फिर उन्हें कन्विंस भी कैसे करेंगे कि भाई आप ये वापस लें। ये तो बातचीत से ही, ना सिर्फ ये कि ये वापस लेने के इकदाम हो सकते हैं बल्कि आगे भी फर्दर कश्मीर पर बातचीत के लिए भी जरूरी है कि टेबल पे बैठें। डू यू थिंक सो कि पाकिस्तान ने ये शर्त ठीक रखी है? टेबल पे तो बैठे हुए हैं ना, ये इंटेलिजेंस टॉक्स और कॉन्टैक्ट्स तो हो रहे हैं, खुद माना है इन्होंने कि ये हो रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स बात कर रहे हैं और कोई मिलिट्री ऑफिशियल्स भी जो हैं वो बात कर रहे हैं, तो ये बात नहीं है। मैं सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में एक थोड़ा सा उनको अगर मैं दे सकूँ, थोड़ा सा मशवरा देता हूँ कि पहले तो उन्होंने कहा कि इंडिया को रिवर्स करें अपना स्टांस। इस वक्त वो कह रहे हैं आप हमें एक रोड मैप दें, रोड मैप दें कि ये कैसे आप करेंगे। इसके मतलब है कुछ ऐसी चीज दें जिसमें रिवर्स तो नहीं होगा फौरन, मगर वो उम्मीद होगी रिवर्सल की जिस पे बात शुरू होगी। भाई ये क्या जरूरत है आपको इस किस्म के कंसेशंस देने के लिए? क्या आप देख रहे हैं उधर कुछ लचक है, कोई कोई जरूरी है ऐसे कंसेशंस? बिल्कुल जरूरी नहीं है, बल्कि मैं तो समझता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब को 2-3 और शर्तें लगाना चाहिए। पहले तो वो ये लगाना चाहिए कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप छोड़ो, हम तो बात ही नहीं कर सकते हैं आपके साथ जब तक आप ऐसे लोगों को कैद रखते हैं जो बेगुनाह है बिल्कुल। और दूसरी बात यह है आपके जो रिप्रेसिव लॉज हैं जो लोगों को महीनों 6-6 महीने तक ना इंटरनेट ना कुछ ये हो रहा है वो रिस्टोर करें। और तीसरी बात, अमेरिका जो इनका वो हिंदुस्तान का इतना यार है उनको कहें कि बच्चों तुम भी तो आओ बीच में, तुम भी तो उन पे कुछ प्रेशर डालो। ये पीस पीस कहना काफी नहीं है अगर आई यू डोंट वांट टू प्ले अ रोल। तो ये चीजें हैं जो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब को करना चाहिए और इनको हर सूरत में किसी तरीके से कोई लचक इस पोजीशन में नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए इस पोजीशन में कोई लचक है ही नहीं। ठीक, इमरान साहब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? और फिर दूसरा हम ये भी तो देखते हैं ना इमरान साहब कि एक दोनों तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट भी बहुत है। जाहिर है हम तो उन्हें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि बार बार वो मुज़ाकरात की मेज से भी भाग जाते हैं और वायलेशन भी करते हैं अपनी ही की हुई चीज़ों की, एग्रीमेंट्स की। तो आपको क्या लगता है कि ये ट्रस्ट डेफिसिट बात करने से ख़त्म हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ यहाँ प्रोग्राम में
कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ आपस में जो अमन के रास्ते हैं ना, वो कश्मीर से होके जाते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर आप खित्ते में अमन कर दें। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। अगर आप मुज़ाकरात में शर्तें इस तरह से आयद कर देंगे तो फिर मुज़ाकरात शुरू ही नहीं होंगे, और अगर मुज़ाकरात शुरू ही नहीं होंगे तो आप किसी नतीजे पर कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि दुनिया में हर जंग का खात्मा भी मुज़ाकरात के ज़रिए ही होता है। अब बात यह है कि एक तरफ आप मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की जिंदगियां अजीरन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप सिर्फ इस बिना पे कि आप पे अमेरिका का दबाव है तो आप कहते हैं कि जी मुज़ाकरात मुज़ाकरात। इंडिया पे भी इस वक्त बड़ा अमेरिका का दबाव है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका ये चाहता है कि अफगानिस्तान से इनखला जो फौजों का, उसमें कहीं किसी भी तरीके से पाकिस्तान अपना रोल अदा करे और उसमें वो निकालने में कामयाब हो जाए। अब पाकिस्तान और इंडिया में अगर आप समझे कि मामलात ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान तो पूरी तरह उस तरह तवज्जो ही नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ जो हिलाली साहब इतराज़ कर रहे थे ना अभी कि ये प्राइम मिनिस्टर ने क्यों कहा है, प्राइम मिनिस्टर मुझे ऐसे लगता है हिलाली साहब की शायद फेस सेविंग चाह रहे हैं। अच्छा, जिस तरह वो कह रहे थे ना कि ये दो तीन शर्तें रखने की बजाय उन्होंने कह दिया रोड मैप दे, तो रोड मैप के जरिए कहीं वो फेस सेविंग नहीं चाह रहे हैं कि चले एक फेस सेविंग मिल जाए, कोई लारा ही मिल जाए हमें कि हम ये कर लेंगे, कि उन्होंने ये कहा इस बिना पे हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज नजर आ रही है जो कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे कि तो जो जेनेवा कन्वेंशन है उसके आर्टिकल 449 के तहत भी आप फोर्सफुली किसी भी जो मुतनाज़ इलाके उसकी डेमोग्राफी तब्दील नहीं कर सकते। यानी इंडिया इस तरह का बदमाश बना हुआ है, इलाके का इस तरह से वो जगह बना हुआ है कि वो सिर्फ किसी कानून को मानते ही कहाँ है वो ना बैनुल अक्वामी कानून को मानता है, ना आपकी बात मानता है, ना जो मोदी एक फासिस्ट स्टेट उसने बना। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइज आए दिन जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया में कश्मीर कश्मीर होता है, वैसे ही आजकल इमरान खान का एक ही डायलॉग है, हम इंडिया से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, इंडिया से तजारत करना चाहते हैं, इंडिया से व्यापार करना चाहते हैं, फलाना ठिकाना यही होता है, लेकिन एक ही शर्त पर, हम जब तक बात नहीं करेंगे जब तक आर्टिकल 35A और आर्टिकल 70 हटता नहीं है। अरे तो भैया कर लो तुम खुद अपनी मन की, हमें क्या करना, हमें तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो ये देखते ही नहीं कि तुम हमसे व्यवहार रखो या ना रखो, भाड़ में जाओ, सीधी बात ये है। इंडिया का इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ये एक डेढ़ साल से जब से वो लगभग 2019 से यही भोंकते आ रहे हैं कि आर्टिकल 35A हटाओ, 370 हटाओ, ये वो फलाना ठिकाना, घंटा हटेगा यहाँ पर, भूल जाओ, मत करो बात, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीधी बात ये है। और इंडिया का गवर्नमेंट का यही रिस्पॉन्स रहा है, कोई इनकी बातों पर रिप्लाई ही नहीं दिया। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी, इनको कोरोना हुआ था तो एक पड़ोसी के नाते इनको बेस्ट विशेस दी थी और लेटर लिखा था कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, तो ये चीज़ें आपको भी पता है, ये करना पड़ता है, इंडिया एक बड़ा मुल्क है, आजू बाजू के छोटे मोटे देशों को ये लिखना पड़ता है, तो ये किया था। लेकिन अब इमरान खान का हर तीसरे चौथे दिन यही बयान आता, जब तक 370 और ये नहीं हटेगा हम बात ही नहीं करेंगे, हम बात ही नहीं करेंगे। अरे उस पर इंडिया का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा एक डेढ़ साल से। यहाँ पर पाकिस्तान मीडिया के तीन चार लोग बैठे थे, ये तीन चार लोग बड़े जिहादी टाइप के लोग हैं, इनके पास एक ही टेप है, वही दोहराते रहते हैं, जैसे कि ये जफर हिलाली बैठा और ये अमजद शोएब बैठा। अमजद शोएब को तो आप जानते हो, ये पाकिस्तान आर्मी या रॉ में काम कर चुका है और ये अब मीडिया में बैठ कर पाकिस्तान आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को बेसिकली बहुत अच्छे से डिफेंड करता है, और जफर भी का भी इसी तरीके का कोई स्टेटस है। तो ये लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंडिया में कोरोना हो गया, तबाही आ गई, फिर भी मोदी की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही है, ये वो फलाना ठिकाना, इनका यही चलता रहता है। आपको बता दूं दोस्तों कि भारत में कोरोना जो सेकंड वेव आई है उसके मतलब जो समकालीन पाकिस्तान और बांग्लादेश श्रीलंका में वो वेव इतनी तेज नहीं थी। अब इसका रीज़न मुझे नहीं पता, आपको भी पता है ये देश लगभग सेम कंडीशन सेम एनवायरनमेंट रखते हैं, लेकिन वो वेव यहाँ पर इतनी तेज नहीं थी। टेस्टिंग कम होती थी पाकिस्तान में बांग्लादेश में श्रीलंका में, लेकिन वेव तेज नहीं थी। उससे कैसे पता चलता है कि हॉस्पिटल में लोड ही नहीं था, तो उस वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा कोरोना नहीं फैला था। लेकिन सेकंड वेव में पता नहीं इंडिया बस में इतना कोरोना कैसे फैला, या तो हो सकता है ये चाइना का प्री प्लान कुछ सिस्टम हो, इन्होंने बनाया हो कि बस इन्हीं देशों को टारगेट करना है। फर्स्ट वेव में तो हम पता है आसानी से निकल गए थे,
ज़्यादा कुछ हमें हुआ नहीं था, लॉकडाउन लगा था, इकनॉमी ही तबाह हुई थी, लेकिन सेकंड वेव में इकनॉमी तो तबाह हुई, उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग सीरियस मतलब क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल पहुँचे, बच गए, लेकिन उनका इतना ज़्यादा नुकसान हुआ और बहुत सारा बिल बन गया। तो पाकिस्तानी उस बात को लेकर बड़े खुश हो रहे थे और ये बस 50 एम्बुलेंस वो ईदी फाउंडेशन ने भेजने का बोला था, लेकिन ऑब्वियसली 50 एम्बुलेंस का हमें होगा क्या, और पाकिस्तान से एम्बुलेंस आकर वो इंडिया में कैसे मतलब कुछ मैनेज कैसे होगा, लेकिन इन्होंने बोला था, ईडी फाउंडेशन ने बोला था, पाकिस्तान गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप देख सकते हो इनकी माइंड सेट, ये अभी भी बस उसी चीज़ पर लगे हुए हैं कि हम तब तक बात नहीं करेंगे जब तक 5 अगस्त बैक नहीं होता, मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आर्टिकल 35 ए और 370। तो भाई किसको बात करनी है, हमें नहीं करनी, लगे रहो तुम अपनी जनता को यही बोलते रहो, अगले टर्म में भी वही यही बोलना, इलेक्शन तो तुम्हारा होना नहीं है, सिलेक्शन ही होना है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।